लो भाई राशन कार्ड धारकों और राशन कार्ड डीलरों, यानी कि ये कह लिए कि पीडीएस डीलरों का एक और काम सामने निकल कर के आ गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि सरकार अब राशन डीलरों को एक काम और दे दी है। अभी तक दोस्तों ये होता था कि जितने भी कोटेदार भाई लोग हैं वो राशन के अलावा और कुछ बांटने का कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आपको राशन किट पूरा बांटना पड़ेगा। और वो भी सरकार का कहना है कि आप लोगों के माध्यम से, यानी कि राशन डीलरों के माध्यम से गरीबों तक इस किट को पहुंचाया जाए। दोस्तों अब दोस्तों इस किट में क्या क्या होने वाला है और इस योजना में किन किन राशन कार्ड धारकों का लाभ मिलेगा, सब कुछ हम बताएंगे, और कोटेदारों का कितना लाभ मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह का न्यूज़ और खबर देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से आम लोगों के हित में कई तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। अब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए एक योजना शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अब लोगों के लिए अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुरुआत करने जा रही है। अब दोस्तों भोजन पैकेट योजना क्या है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ हम एक एक स्टेप और एक एक बात आपको समझाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे कि खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से इसकी शुरुआत 15 अगस्त से ही की जाएगी, यानी कि आने वाले 15 अगस्त से इसकी शुरुआत करने जा रही है सरकार, जो कि जिनका नाम है अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना। अब दोस्तों अन्नपूर्णा भोजन पैकेट राशन डीलरों के माध्यम से वितरण किए जाएंगे। योजना के तहत सरकार की ओर से राशन किट दी जाएगी, इसमें सरसों का तेल, चीनी, नमक, मसाले शामिल होंगे, यानी कि 367 रुपये की यह राशन किट राज्यों के गरीबों में बिल्कुल मुफ्त में बांटी जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है, इस किट में पूरी जो है लागत 367 रुपये की है, और इसकी जो वितरित होगी वो गरीबों की जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनमें ये बिल्कुल निःशुल्क बांटी जाएगी। वहीं दोस्तों महंगाई राहत शिविर में 2,89,000 से अधिक परिवारों में इस योजना में पंजीकरण करा है। मुख्यमंत्री गहलोत के बजट घोषणा में इस योजना की थी, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब मुख्यमंत्री ने अपने बजट में घोषणा की थी तब इसकी भी योजना कर दी थी कि ये 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना में। अब दोस्तों इसमें कोटेदार का क्या लाभ मिला, हम तो समझ में नहीं आया कि कोटेदारों को क्या लाभ मिला। ऐसे में दोस्तों कोटेदारों को केवल परेशान किया जाता है, हर एक काम कराया जाता है और कोटेदारों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो दोस्तों इस योजना को हम लोग बहिष्कार करेंगे, जब तक हम लोगों का मानदेय, हम लोगों का कमीशन सुनिश्चित नहीं होगा तब तक इस योजना में हम लोग हाथ नहीं बटाने वाले हैं सरकार को। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस हमारे बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।